हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक रे, आपका बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दा पर आपसे डिस्कस करने आया हूं। ये मुद्दा इतना गंभीर है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, देश की इकॉनमी गिर रही है, शेयर बाजार गिर रहे हैं, बैंक मर्जर हो रहा है, कंपनियां बंद हो रही है, भारत से नौकरियां जा रही है, लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ी हुई है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान देश के युवाओं को है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश सबसे यूथ देश है, पूरी दुनिया में सबसे यूथ देश है, और यूथ की जनसंख्या 40-50% की है। तो दोस्तों, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान और खामियाजा हम यूथ को ही भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कई सरकारी बैंकें आपस में मर्जर हो रही है, जेट एयरवेज, पार्ले जी जैसी कंपनियां बंद हो रही हैं। देश की इतनी बड़ी कंपनी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पूरा प्लांट बंद कर लिया, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में युवाओं का क्या होगा? ऐसे में हमें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और भी बद से बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे समय में लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो जाते हैं, जबकि ऐसे समय में हमें देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है इंटरनेशनल बाजार का गिरना, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी का डाउन होना। पूरी दुनिया इसके चपेट में है, लेकिन अगर हम विकसित देशों की बात करें तो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा, परंतु इंडिया, भारत, यहाँ के यूथ को सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे एक ऐसे सेक्टर को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। पूरी दुनिया में 40-50% लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की। पूरी दुनिया में लगभग $190 बिलियन का रेवेन्यू दिया है सेक्टर ने, जिसमें सबसे आगे अमेरिका का नाम आता है, दूसरे नंबर पर चाइना, फिर अन्य कई विकसित देश, मलेशिया, ताइवान, जापान, सिंगापुर जैसे कई देश हैं। दोस्तों, भारत इन सब के मुकाबले कहीं पीछे है, बहुत पीछे है। US, जिसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 1/4 भी नहीं है, फिर भी हमसे बहुत आगे है। भारत US से 500 साल पीछे है। दोस्तों, जानते हैं क्या कारण इसका? US में 40-50% लोग पिछले 100 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसने हजारों करोड़पति दिए हैं इस दुनिया को। 30% से ज़्यादा मल्टी बिलियनेयर इसी सेक्टर से निकल कर आते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की सुने, बिल गेट्स की सुने, भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम आज़ाद की सुने, माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी की सुने, सभी लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि आज के युवाओं को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहिए। ये एक बहुत ही पोटेंशियल सेक्टर है। आने वाले समय में इससे देश को, देश के युवाओं को, देश के लोगों को तथा सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। दोस्तों, अमेरिका और चाइना जैसे देश तो इस अर्थव्यवस्था से निकल जाएगी, बाहर निकल आएगी, क्योंकि उसके यूथ जागरूक हैं। वो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं और बहुत पैसा अपने लिए और सरकार के लिए जनरेट कर रहे हैं। लेकिन भारत में 1% से भी नीचे लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं। दोस्तों, आज हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। यूथ को इकट्ठा होकर के सरकार के साथ, देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। नौकरियां नहीं है, बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है, सरकार मजबूत है, सरकार मजबूत होने के बाद भी मजबूर है। देश को पैसा आता है हमारे और आपके टैक्स से। देश की यही इनकम है जिससे वो पूरा देश चलाती है। हम और आप अगर सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो सरकार देश को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। सरकार मजबूर है आज तरह तरह से टैक्स बढ़ाने में। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रेलवे टिकट्स के, यातायात के साधनों के दाम बढ़ रहे हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही है, बैंकें मर्जर हो रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सरकार के पास रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? इसका एकमात्र साधन है नेटवर्क मार्केटिंग। एकमात्र ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग, एकमात्र विकल्प है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि ऐसी कुछ कंपनियाँ इंडिया में आई हैं जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि फ्रॉड सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं हुआ है, और भी कई ऐसे सेक्टर हैं, रियल इस्टेट, बैंकिंग, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें फ्रॉड हुआ है। आप मुझे एक भी ऐसा सेक्टर बताएं जिसमें फ्रॉड नहीं हुआ है, लोग ठगे नहीं गए,
है कोई ऐसा सेक्टर? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से अपना भरोसा मत उठने दें। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने पूरी दुनिया में हजारों मल्टीबिलियनेयर पैदा किए हैं। इंडिया में भी इसके सबूत हैं। बहुत से लोग अपनी लाइफस्टाइल अचीव कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे हैं इस सिस्टम से जुड़कर। मैं ये नहीं कहता कि आप अमुक कंपनी के साथ जुड़ें। आपको जिस कंपनी पर भरोसा है, जिस स्वदेशी कंपनी पर आपको भरोसा है, आप उस कंपनी के साथ जुड़ें। देश के रेवेन्यू बढ़ाने में सरकार की मदद करें, देश की मदद करें, देश का हाथ मजबूत करें, युवाओं का हाथ मजबूत करें। 2016 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भारत सरकार ने पूरी गाइडलाइन जारी की है। आप उस गाइडलाइन को फॉलो करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन को फॉलो करें और स्वदेशी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ें। देश की रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करें, अपनी रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने ड्रीम्स को अचीव करें, अपनी लाइफस्टाइल बदलें। दोस्तों, सफलता पाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है सोच और सपना। इन दोनों को बड़ा करना होगा। अपने सोच और सपनों को बड़े करें और सफलता के आसमान को चूमें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।